मैं ज्योत्सना काला, मैं संगीता काला, हम परमागम ऑनर्स थर्सडे बैच फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमारी दीदी कविता कासलीवाल जी हैं। आज हम उनके बारे में और हमारे परमागम ऑनर्स के बारे में और जो जीवन में हमारे अंदर बदलाव आया है उनको कुछ लाइनों में कहना चाहते हैं। आज आत्मा पर चढ़ रहा हमारे ही कर्मों का भार है, पर हर जीव का जन्म मरण से मुक्त होना मोक्ष ही का सार है। मैं कौन हूँ और मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे पता ही नहीं इसका। जैन ग्रंथों में स्पष्ट है सही अर्थ इस जीवन का। अच्छे कर्मों के निमित्त ही मिलता संसार है, हम सबको धर्म पथ ले जाने में हमारी गुरु कविता कासलीवाल जी का हाथ है। हमें धर्म से खेल खेल में सिखला दिया, उन्होंने सहजता से हमें स्वयं और पर में अंतर बता दिया। जैन धर्म के सार को सरल शब्दों में समझा देती है। जैन धर्म महान लेखकों की वाणी उनके मुख से बहुत मधुर लगती है। जैन ग्रंथ को समझाने का जरिया वो बना देती है। जीव और कर्मों को समझने के सरल उदाहरणों के तो दरिया बहा देती है। मैत्री स्नेह और उत्साह बिखेर देती है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए देर सवेर नहीं देखती है। जैन विषय में पारंगत है, निपुण है हर बात समझाने में। हमारा ध्यान कैसे भी भटके है, कला है उनमें हमें वापस सही जगह लाने में। पढ़ाकर हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर्मबद्ध पर्याय और छह डाला, उन्होंने तो हमें हमारी अंतर आत्मा को जगह डाला। सहजता विनम्रता हमारे अंदर आई है, हम पढ़े लिखे भी अनपढ़ थे, दीदी ने धर्म पढ़ने की अलख जगाई है। हमारे पुण्य भाग उनके प्रयासों से जिनवाणी को हम समझ पा रहे हैं, अपने जीवन को अब सही दिशा दे पा रहे हैं। हमें गर्व है कि कविता दीदी हमारी गुरु हैं और हम परमागम ऑनर्स के साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं सुरभि जैन परमागम ऑनर्स के 2021 थर्सडे आफ्टरनून बैच की चौथे सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहती हूँ परमागम ऑनर्स की पूरी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कोर्स डेवलप किया। साथ ही मैं यहाँ बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी अध्यापिका डॉक्टर कविता कासलीवाल मैम का, जिन्होंने इतने सरल और सुगम तरीके से हमें हमारी जिज्ञासाओं का शांत किया, जो अतुलनीय है। मैं बताना चाहती हूँ कि एज ए होम मेकर मुझ में यह कमी रही है कि मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती हूँ, हर चीज़ को अपने हिसाब से ही करना चाहती हूँ, अपने समय पर करना चाहती हूँ। ये इसकी वजह से मैं चिड़चिड़ी भी रहती थी और मुझे जब काम मेरे हिसाब से ना हो तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता था। तो जब मैंने इस सेमेस्टर में क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ा, समझा, जाना, तो ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है और मेरे ही नहीं किसी के भी हाथ में नहीं है, जो क्योंकि जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होगा। इससे मेरे कर्तत्व बुद्धि के अहंकार का और मेरे हर चीज़ को कंट्रोल में रखने का, मेरे हिसाब से करने की बुद्धि का जो नाश हुआ, साथ ही मेरे व्यवहार में जो पॉजिटिव चेंजेस आए उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र। मेरा नाम दीपाली जैन है। मैं थर्सडे आफ्टरनून बैच 2021 की छात्रा हूँ। इस समय हमारा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। हमारी गुरु श्रीमती कविता कासलीवाल जी हैं। मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं स्वाध्याय तो पहले भी किया करती थी, लेकिन मुझे मेरी कज़िन ने बताया कि ऐसे स्वाध्याय करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने मुझे परमागम ऑनर्स के बारे में बताया कि परमागम ऑनर्स में एक सिस्टमेटिक वे में स्वाध्याय करना सिखाया जाता है, जिससे हम बेसिक से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तो बालबोध, वीतराग विज्ञान पाठमाला, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ के आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अनेकांत साधवाद, सप्तभंगी और क्रमबद्ध पर्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। और सच कहूँ, इन सब विषयों को पढ़कर आज मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। पहले जैसे किसी के कुछ भी कहने से हम
व्यथित हो जाते थे, परंतु अब अंदर स्वयं ही एक सहजता सी आ गई है। कोई कुछ कह भी देता है तो तुरंत सहज हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, जो जैसे होना था वैसे हुआ, और क्रमबद्ध पर्याय को लगा लेते हैं, नियमित उपादान को हम अपने स्वभाव में लगा लेते हैं। एक इतना वाकई में हमारी नेचर में इतना बदलाव आया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी मैम कविता कासलीवाल जी का, कि वो उन्होंने हमें इतना अच्छे तरीके से हर बात को समझाया है। हर समय चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, वो पर्सनली भी हमें हर किसी बात का, अगर हमें कोई समाधान नहीं हो पा रहा है कुछ है, तो वो पर्सनली भी हमको उस टॉपिक को समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं, और उनके मार्गदर्शन से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम ग्रंथों को अब समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में सहज व्यवहार कर पा रहे हैं, और किसी भी परेशानी में अगर जरा सी भी कोई उतार चढ़ाव या कुछ आता है ज़िंदगी में, तो उससे हम बहुत ही सहजतापूर्वक निकल जाते हैं, और अपने विचारों को हम इतना शांतिपूर्वक, इतने अच्छे से हम अपने स्वाध्याय में अपने आप को लगा पा रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग की ओर इससे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि परमागम ऑनर्स को ज्वाइन करके वो लोग भी अपने स्वाध्याय को इतना सरल बनाएं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आयुषी जैन है। मैं परमागम ऑनर कोर्स की थर्सडे आफ्टरनून बैच की फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरी टीचर का नाम कविता कासलीवाल मैम है। अपनी आत्मा को जानने के लिए तथा सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए यह कोर्स अत्यंत लाभदायक है। इसमें बेसिक से लेकर हमें बाल बोध, वितरक विज्ञान पाठमाला तथा छह डाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, नए चक्र, क्रमबद्ध पर्याय जैसे अनेकों विषयों का स्वाध्याय करने को मिलता है, तथा इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी टीचर कविता मैम की है, जिन्होंने अत्यंत कठिन विषयों को बहुत आसान भाषा में ट्रांसलेट करके समझाया है, और मेरे जीवन में इन सबको पढ़कर अनेकों बदलाव आए हैं। जीवन में सरलता आ गई है, विपरीत परिस्थितियों को भी शांतिपूर्वक स्वीकारने की शक्ति मिली है, तथा क्रमबद्ध पर्याय को पढ़कर मेरे जीवन में आकुलताओं में कमी आई है। इन सब के लिए मैं परमागम बेच तथा कविता मैम को धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अर्चना सेठी है। मैं थर्सडे आफ्टरनून बैच 2021 की चौथे सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हमारी गुरु डॉक्टर कविता जी कासलीवाल हैं। मैं पर्सनली बाय नेचर एक हाइपर व्यक्ति हूँ, जो हमेशा हर कार्य जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में रहती हूँ, और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनसे ये अपेक्षा करती हूँ कि वे काम जल्दी से जल्दी करें, धीरे धीरे नहीं। इस सेमेस्टर में जब हमने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा, तब समझ में आया कि जो काम जिस तरह से होना है, जिस समय से होना है, वह वैसे ही अपने क्रम से होगा। उसमें उतावलापन करने से कोई मतलब नहीं। इससे व्यवहार में भी बदलाव आया और संबंध भी सुधरे और जीवन में समता आई। पूर्ण रूप से तो नहीं, पर पूर्णता की ओर पुरुषार्थ जारी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको। मैं निधि जैन परमागम ऑनर्स की थर्सडे आफ्टरनून बैच 21 की स्टूडेंट हूँ। मेरी टीचर जो हैं वो कविता कासलीवाल हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सब स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम बड़ा ध्यान भी रखती हैं, और वो हर क्वेश्चंस की सबको क्लियर करती हैं, हमारे सब आंसर्स क्लियर करती हैं। अब उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छह डाला, क्रमबद्ध पर्याय, सप्तभंगी, अनेकांत, स्याद्वाद सबको इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि वो हमारी समझ में आ गया है, और अब मुझे जैन होने पर और परमागम ऑनर्स का स्टूडेंट होने पर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि मैंने आज एग्ज़ाम दिया था, क्रमबद्ध पर्याय का पेपर टू का एग्ज़ाम था। उसके अंदर मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने जो आंसर मैंने मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था, वो मेरे से गलत कैसे हो गया। मतलब मैंने फॉल्स पे टिक किया था, वो ट्रू पे टिक हो गया। तो लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये क्रमबद्ध पर्याय ही है, तब समझ के बड़ा अच्छा लगा कि जो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम।
तो ये लाइनें बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझ में आ गई हैं। तो थैंक यू परमागम ऑनर्स, ऑल द स्टूडेंट्स एंड कविता कासलीवाल जी, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। मेरे प्रिय साधर्मी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रीता जैन परमागम ऑनर्स थर्सडे आफ्टरनून 2021 की छात्रा हूँ और डॉक्टर कविता कासलीवाल जी के सानिध्य में अध्ययनरत हूँ। डॉक्टर कविता कासलीवाल जी जिन आगम की प्रतिभा संपन्न विद्वान महिला हैं, मैं उनके सानिध्य में 2 साल से जिन आगम का अभ्यास कर रही हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, द्रव्य संग्रह, क्रमबद्ध पर्याय, 12 भावना आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। उनका कोई भी विषय हो उस पर उनकी चर्चा बहुत ही स्पष्ट है और अनेकों उदाहरणों के माध्यम से होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप कोई भी एक ग्लास यूट्यूब से लेकर प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। उनके सानिध्य में अध्ययन से मेरा योग उपयोग में स्थिर हो रहा है। जिन आगम के सूक्ष्म रहस्य, तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता, वितरागता, प्रमाण, न्याय, साधवाद, अनेकांत आदि विषयों पर समझ बढ़ी है, जिससे जैन ग्रंथों को पढ़ने में समझने में सरलता आई है। जिज्ञासाओं का सहज समाधान हो रहा है। सच्चे सुख का मार्ग अनुभव में आ रहा है। आपके बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। माय नेम इज रुचिका पांड्या। आई एम द टीम लीडर ऑफ थर्सडे आफ्टरनून 21 मैच। द नेम ऑफ माय टीचर इज डॉक्टर कविता कासलीवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर स्वानुभूति जी फॉर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल कोर्स एंड ऑल्सो टू कविता मैम हु गिव्स ऑल द एफर्ट्स इन टीचिंग। दिस कोर्स हैज चेंज्ड माय लाइफ। आफ्टर रीडिंग द बुक क्रमबद्ध पर्याय, द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इट हैपेंड लाइक दिस इज वैनिश्ड फ्रॉम माय माइंड, because everything is fixed and cannot be changed. I think whoever will read this book, all the sorrows and miseries of life will disappear from their life. So I would request everyone to join this course of Amalgam Honours, which will give you a wonderful and pleasant life. Thank you. Jai Jain sabhi ko. Main Kumkum Jain, Amalgam Honours Thursday batch 2021 ki student hoon. मैं परमागम और हमारी मेंटर डॉक्टर कविता कासलीवाल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके कारण मुझे अपने जैन धर्म के आगम को पढ़ने और समझने का मौका मिला। मुझे स्वाध्याय करने से बहुत डर लगता था, क्योंकि शास्त्रों में इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में किस तरह से समझ पाऊँगी तो वो नहीं पता था। लेकिन कविता मैम जी ने बहुत सिंपल वर्ड्स में और एग्जांपल्स देकर हमें जैन सिद्धांतों को समझाया और उन्हें डेली लाइफ में किस तरह से हम लगा पाएँ उसे करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन 2 वर्षों में मैंने अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस पाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडामल जी द्वारा अपना मैंने रोग समझ में मुझे आया और क्रमबद्ध पर्याय में मैंने जाना कि मेरे आसपास जो हो रहा है, जो होगा और जो हुआ वह नियमित और निश्चित है। उसमें हम कोई फेरफार नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए जो मेरा भय था वह बेबुनियाद था और जो कृतव बुद्धि के कारण जो आकुलता थी वह बहुत कम हुई। अपने अंदर एक शांति महसूस हुई। अब मुझे पता चल गया कि संसार रूपी दलदल से हाथ पैर मारने से काम नहीं होगा, होगा तो सहज रूप से आत्मसम्मुख होकर ही होगा। थैंक यू परमागम, थैंक यू कविता मैम और थैंक यू डॉक्टर भारियाल जी मुझसे मिलाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय चिन्हन। मैं कविता मेहता परमागम ऑनर्स 2021 के थर्सडे बैच की छात्रा हूँ। हमारे गुरु श्रीमती कविता कासलीवाल है, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाया है। ऐसा लगता है कि पढ़ाने के पूर्व वे बहुत गहन अध्ययन करती है विषय का, तभी हमारे सारे डाउट्स वो चुटकी में क्लियर कर देती है और बहुत अच्छे से समझाती हैं।
बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं कुछ क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई और क्विट करने का सोच रही थी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, कई बार संपर्क किया और मुझे कहा कि मैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुनूं और जो नहीं समझ में आए उनसे पूछूं। उन्होंने मुझे सरलता के लिए कुछ टिप्स भी दिए और जिसकी वजह से आज मैं चौथा सेमेस्टर कर पाई हूँ। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने पर मैं दुखी थी, तब क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान उसमें जो मैंने पढ़ा वो मुझे काम आया, लगा कि हाँ सभी पर्याय जो है मोती के समान एक के बाद एक गुथी हुई है, एक पर्याय के बाद दूसरी आएगी ही। आज स्वास्थ्य प्रतिकूल है, कल ठीक होगा ऐसा, और हमें बस ज्ञाता दृष्टा रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहने का ही पुरुषार्थ करना है। यह सोचकर अपने में समता लाती हूँ और अपने आप को समझा पाती हूँ। ऐसा मनन करने से दिल में बहुत शांति मिलती है। इस तरह यह कोर्स मुझे बहुत ही फायदेमंद रहा है। मैं परमागम ऑनर्स और कविता कासलीवाल मैडम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन। जय जिनेन। मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं परमागम ऑनर की थर्सडे आफ्टरनून बैच की फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। बचपन से ही मेरी रुचि अध्यात्म में थी, लेकिन एक गाइड की ज़रूरत थी जो मुझे जैन सिद्धांतों को सरल भाषा में समझा पाए। और जब मैं परमागम से जुड़ी, वहाँ कविता मैम जो कि मेरी मेंटर हैं, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से जैन सिद्धांतों का मर्म समझाया कि उसके बाद मेरे जीवन में बहुत आकुलता में कमी आई और मुझे जीने की सही दिशा मिली। कविता मैम ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। वो बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी तो हैं ही, साथ में बहुत सरल स्वभावी भी हैं। मेरी सच्ची प्रदर्शक बनने के लिए मैं कविता मैम का और परमागम की पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम निधि बादर है और मैं थर्सडे बैच 2021 की छात्रा हूँ। हमारी टीचर हैं श्रीमती कविता कासलीवाल जी, जो हमें बहुत सुंदर तरीके से शास्त्र का स्वाध्याय कराती हैं। उनकी सरल, बहुत ही सरल भाषा में बहुत सुंदर व सुबोध से हमें वो हर एक शब्द का अर्थ हमें बहुत ही पेशेंसली हमको समझाती हैं। मैं परमागम ऑनर्स कोर्स ज्वाइन करके मुझे जो जैन सिद्धांत के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे लाइफ में हम कैसे अप्लाई करें, जैसे सिचुएशंस तो पहले भी थी और आज भी हैं, लेकिन उन सिचुएशंस को अब हम कैसे उन सिद्धांतों को अप्लाई करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जैसे मैं ही पहले बहुत ही हड़बड़ी किया करती थी, शुभ अशुभ परिणाम बहुत रहते थे, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय तथा मोक्षमय प्रकाशक जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करके अब सभी वस्तुओं को सहज रूप में पहचानने का, देखने का और ज्ञाता दृष्टा बन के देखने का यह मार्ग मुझे जाने को मिला। मैं आभारी हूँ हमारी मेंटर का, श्री कविता कासलीवाल जी, जिन्होंने हमें यह शास्त्र का बहुत सुंदर सुंदर से हमको अध्ययन कराया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं अनुराधा भंडारी परमागम ऑनर्स थर्सडे आफ्टरनून क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी मेंटर, टीचर, गाइड, गुरु इज़ कविता जी कासलीवाल। मैं हिंदी में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, नॉट टू बी प्राउड ऑफ, बट ऐसा है कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है और मैं चार लाइन भी पढ़ना, आज भी पढ़ना नहीं चाहती, उसको अवॉइड ही करती हूँ। अगर कोई न्यूज़पेपर दे दे या कोई मैसेज दे दे पढ़ने को तो आई विल नॉट वांट टू। लेकिन आज सेकेंड ईयर में मैं इतनी भारी भरकम किताबें, इतने भारी भरकम शब्द उनको पढ़ती भी हूँ, समझती भी हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। इसके अलावा शायद मैं आज भी हिंदी नहीं पढ़ना चाहूँगी।
ये मेरा इंटरेस्ट जो जैनिज्म में जागा, ये करीब 2.5-3 साल पहले, ये मुझे ऐसा एक क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाहती थी, मैं समझना चाहती थी कि जैनिज्म क्या है। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इसमें है, धर्म ध्यान में, उनका बस चले तो शायद वो 24 घंटा इसी में रहे, तो शायद वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ और मैंने कोशिश करी। मुझे, मैं इस खोज में थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु, ऐसी गाइड या ऐसा कुछ मिले जहाँ मैं ये चीज़ समझ पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ ABCD से भी ज़्यादा नीचे लेवल पे थी। मुझे एक सिंपल शब्द, मतलब मेरी हिंदी जब इतनी वीक है तो अपने ये शब्द तो मेरे समझ के एकदम बाहर थे, लेकिन शायद मेरा इंटरेस्ट था इसलिए। और इससे भी ज़्यादा बड़ा शेयर जाता है मैम को, जिन्होंने इतना एफर्ट, इतनी मेहनत, इतनी शांति से और आई थिंक बहुत मतलब पेशेंस से हर चीज़ को क्लियर किया, समझाया, जब ज़रूरत पड़ी शी वॉज़ अवेलेबल फॉर लिटिल थिंग्स। मैं तो छोटे छोटे मीनिंग्स भी उनसे अभी भी पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है, और बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से, आई थिंक शी हैज़ अ बिग हार्ट के वो बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली हम सबको सुनती है और मेरे जैसे स्टूडेंट की डाउट्स क्लियर करती है। तो आज मैं जहाँ हूँ उनके कारण हूँ। और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, समझा है, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत ही बदलाव आ गया हो, या मैं 100% तो बहुत दूर की बात है कि बहुत मैं चेंज हो गई हूँ या मैंने बहुत सी आदतें छोड़ दी, लेकिन बहुत फ़र्क आया है और आ रहा है, एंड आई कैन फील इट, मुझे महसूस होता है। जय जिनेंद्र सभी को। परमागम ऑनर्स कोर्स और जयपुर द्वारा टोडरमल स्मारक द्वारा जो पत्राचार कोर्स चलता है शास्त्री का, उसको ख़त्म करने के बाद से पिछले 2 साल से मैं परमागम ऑनर्स कोर्स के 2021 के थर्सडे आफ्टरनून बैच के करीब भारत भर की 20 स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। हफ्ते में हालांकि 2 दिन क्लास होती है, पर कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास होने पर हफ्ते में 2 घंटे की जगह 4 घंटे की भी क्लास हो जाती है। मेरा उद्देश्य हालांकि स्वयं पढ़ना था, स्वाध्याय करना था, पढ़ाना नहीं था, और उसी उद्देश्य के रहते हुए मैं जब प्रत्येक स्टूडेंट के लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने लेक्चर प्रिपेयर करती थी, तो उसका परिणाम ये निकला कि पढ़ते तो स्टूडेंट्स थे, लेकिन मेरा अंतरंग का जो अनुभव था वो अधिक खिलता था। पढ़ाने के दौरान अनेक विपरीत परिस्थितियां बनी स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन स्टूडेंट्स के कोऑपरेशन से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेकर के मैं फिर से अनवरत पढ़ाती रही। ये स्टूडेंट्स की लगन है, जिनागम के प्रति समर्पण भाव है कि वे कभी भी निरुत्साहित नहीं हुए, ब्रेक मिलने पर भी और लगातार लंबी क्लासेस मिलने के बाद भी वे कभी भी निरुत्साहित नहीं रहते थे। हमेशा उनके मन में एक ललक रहती थी कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और अपने समय से अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने की भी कोशिश करते थे। यद्यपि उनके साथ भी, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियाँ बनी, सबके साथ कुछ ना कुछ रहा, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों से ऊपर उठ कर के इस मार्ग पर निरंतर लगे रहे। अगर अटेंड लाइव नहीं भी कर पाए यूट्यूब पर, तो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन करके अपने उस काम को करने की कोशिश की, और कभी कोई समस्या आने पर वो मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, ये मार्ग उनके लिए हमेशा खुला रहता है। मेरे प्रति स्टूडेंट्स ने कुछ भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, ये उनका अपना भाव है। पर उपादान की योग्यता के बिना कुछ भी काम नहीं होता, ये वाली बात स्टूडेंट्स भी समझते हैं। बिना उनके उपादानगत योग्यता के निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। मैंने अपने स्वाध्याय को लक्ष्य में रख कर के काम किया है, और वो अपने स्वाध्याय को लक्ष्य में रख कर के काम कर रहे हैं, और इस बीच में हम दोनों के बीच में, हम स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाने से काम अपने अपने हो रहे हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के प्रति अहोभाव व्यक्त करती हूँ कि वो इतने
लगन के साथ में जिनागम को पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं और इनके कारण ही मेरा जो अभ्यास है वो निरंतरता को प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।